बिग बॉस 12 के घर में इस बार लग्जरी बजट कार रखा गया है। इस कार का नाम है घोड़ा गाड़ी और इस कार का असर होगा घर की अगली कैप्टनसी पे। और इस बार बिग बॉस ने दीपक और दीपिका को अलग अलग टीम सौंपी है। टास्क में गार्डन एरिया में गाजरों से भरी बैल गाड़ी रखी गई है। जो टीम की बैल गाड़ी अंत तक चलती रहेगी वो कैप्टनसी के दावेदार के लिए चुने जाएंगे। वेल, अब सभी लोग अपनी अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन जब दीपिका श्रीशांत से कहती है कि क्या आप मेरी टीम के लिए खेलेंगे, तो श्रीशांत कहते हैं कि नहीं, मैं दीपक को सपोर्ट करूंगा। तो वही दीपक भी हर किसी को मस्का लगाने में बिजी है। लेकिन इसी बीच सृष्टि ने अपना अलग ही गेम खेला है। तो वही श्रीशांत भिड़ गए हैं रोमिल पे। वेल, ये कैप्टनसी टास्क होने वाला है बेहद मजेदार। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर किसकी टीम कैप्टनसी के दावेदार के लिए एंट्री लेगी। बिग बॉस 12 की सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। बिग बॉस 12 के घर में इस बार लग्जरी बजट कार रखा गया है। इस कार का नाम है घोड़ा गाड़ी और इस कार का असर होगा घर की अगली कैप्टनसी पे। और इस बार बिग बॉस ने दीपक और दीपिका को अलग अलग टीम सौंपी है। टास्क में गार्डन एरिया में गाजरों से भरी बैल गाड़ी रखी गई है। जो टीम की बैल गाड़ी अंत तक चलती रहेगी वो कैप्टनसी के दावेदार के लिए चुने जाएंगे। वेल, अब सभी लोग अपनी अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन जब दीपिका श्रीशांत से कहती है कि क्या आप मेरी टीम के लिए खेलेंगे, तो श्रीशांत कहते हैं कि नहीं, मैं दीपक को सपोर्ट करूंगा। तो वही दीपक भी हर किसी को मस्का लगाने में बिजी है। लेकिन इसी बीच सृष्टि ने अपना अलग ही गेम खेला है। तो वही श्रीशांत भिड़ गए हैं रोमिल पे। वेल, ये कैप्टनसी टास्क होने वाला है बेहद मजेदार। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर किसकी टीम कैप्टनसी के दावेदार के लिए एंट्री लेगी। बिग बॉस 12 की सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब।